हेलो फ्रेंड, आज हम देखने चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव का सलूशन। ऑब्जेक्टिव 3 पार्ट तक पीछे वाले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। आज है 4th पार्ट, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। इसके बारे में हम ऑब्जेक्टिव आज और सलूशन सेल्फ बुक के द्वारा दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, द स्लम्स आर डेंसिटी पॉपुलेटेड बाई एन आइसोलेट कम्युनिटी इज मेक्ड बाई, ऑप्शन है सेपलेन, 2 में है फॉलिंग, 3 में है गीटो, 4 में है ओसिस। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, गीटो। नेक्स्ट 2 नंबर, किंग इज रिलेटेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, राजा जो था रिलेटेड था कहां के महान के लिए, वह क्या था, क्यों महान था राजा, क्यों महान हुआ, क्यों, किससे संबंधित है, आर्टिस्ट से, साइंटिस्ट से, स्पेक्टिस्ट थे, ऑरेटर्स थे, ऑरेटर्स हो जाएगा। सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, ऑरेटर्स। 3 नंबर में द ऑथर एडवोकेट्स, ए में है नॉन विजिलेंट स्ट्रगल, बी में है वायलेंट स्ट्रगल, 3 में है बर्थ द वे, 4 में है नॉन ऑफ दीज। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉन वायलेंट स्ट्रगल। 4 नंबर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बर्न इन, यानी मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर थे उनके जन्म कब हुआ था, 1939, 1919, 1929, 1969। यानी पीछे इसका सब सॉल्यूशन हिंदी लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव लाइन बाय लाइन हिंदी बुक का चैप्टर का बता दिया गया है। उसमें पढ़ाया गया था कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म जो हुआ था 1929 ईस्वी में हुआ था। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसोसिएटेड ऑन 4 मार्च, 4 अप्रैल, 4 मई, 4 दिसंबर। यानी 4 अप्रैल हो जाएगा इसका बी नंबर आंसर सही था। किंग वाज एसाइजेंटेड इन 1968, 1954, 1942, 1978। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1968। आई हैव ए ड्रीम 7 नंबर, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड ऑन, आई हैव जो ए ड्रीम था, मेरा एक सपना था, इसका स्पीच सबसे पहले कब दिया गया था, तो अगस्त, ऑप्शन में है 28 अगस्त 1963, 2 में है 28 जून 1965, 3 में है 28 मई 1953, 4 में है 28 अप्रैल 1973। यानी सही उत्तर इसका हो जाएगा 28 अगस्त 1963। 8 नंबर, अमेरिका गिव्स द नेग्रो पीपुल, अमेरिका जो था नेग्रो पीपुल था कहा जाता था, क्यों, ए गुड चैलेंज, ए बैड चेक, ए टॉन चेक, नोन ऑफ दिच। यानी ये बैड चेक था, ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। बाय द सिंगिंग ऑफ द इमेंकेप्शन प्रोक्लेमेशन द होप ऑफ द निग्रो पॉपुलेशन, ऑप्शन में है फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड, सी में है रिमेंड अनफिल्ड, डी में है नॉन ऑफ दिच। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा रिमेंड अनफुलफिल्ड, यानी इसका उत्तर हो जाएगा हुआ सी नंबर सही उत्तर। 10 नंबर, टू ओवरलुक द निग्रो वुड बी गुड बेनिफिशियल फॉर फैटल नॉन ऑफ दिज। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा फैटल सी नंबर। 11 नंबर, द निग्रो मेड द प्लीज डेट दे विल ऑलवेज, निग्रो जो था हमेशा क्यों खुश रहता था, क्या चीज बनाकर, मार्च ए हेड, मार्च बैक, मार्च स्लोली,
नन ऑफ दी, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्च अहेड। 12 नंबर, द वर्ल्ड मोमेंटस स्टैंड फॉर फुलिशनेस, एग्रेसिव, वेरी इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, वह बहुत ही महत्वपूर्ण था वर्ल्ड मोमेंटस, इसलिए हो जाएगा इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 13 नंबर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट कैपिटलिज्म, पावर, सेक्युलरिज्म, ह्यूमन राइट, यानी मानव के सही होना ही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके विरुद्ध होता है, तो ह्यूमन राइट डी नंबर ऑप्शन। आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय जर्मन ग्रियर, सिंगानोया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, एचिबेट, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगानोया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटेन द लेसन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे कौन से लेसन लिखे हुए थे, द आर्टिस्ट, पिंच ऑफ सांफ, आई हैव ए ड्रीम, भारत इज माई होम, यानी सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम के वो राइटर थे। आई हैव ड्रीम ए पार्ट ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाई, आई हैव ए ड्रीम जो है उस पार्ट का स्पीच जो दिए थे वो कौन थे, बर्टन रूसल्स, सिंगानोया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, एचिबेट, सही उत्तर हो जाएगा पीछे वाले इसका जो एक्सप्लेनेशन था उसमें बताया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा आई हैव ए ड्रीम लिखा गया है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो कहां से बिलोंग्स करते थे, ब्रिटेन से, फ्रांस से, चाइना से, यूएसए से, सही उत्तर हो जाएगा द यूएसए। नेक्स्ट डॉट 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 इज स्विटलिंग विथ द हेड ऑफ इंजस्टिक एंड द ऑपरेशन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, शिकागो, मिसिसिपी, यह सही उत्तर हो जाएगा इसका हुआ डी नंबर, मिसिसिपी। 19 नंबर में है डॉट 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 वाज ए ग्रेटर ऑरेटर, पॉल्स एस बक, सिंगानोया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और डॉग में है जर्मन ग्रियर, इसका सही होता हो जाएगा कौन, किसके द्वारा यह ग्रेट महान हुआ है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। 20 नंबर डॉट 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 वाज ए ग्रेट ऑरेटर, इसका भी वही हो जाएगा सेम है, डबल प्रिंट हो गया है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उसके बाद नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन इन मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन, मार्टिन लूथर किंग को इस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1963, 1964, 1965, 1966, सही उत्तर हो जाएगा 1964। 22 नंबर देखिएगा डॉट 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 इज ए डिजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए, वह कौन था डिजर्ट स्टेट, रेगिस्तान के रूप में कौन ऐसी था, मिसिसिपी, अलबामा, जॉर्जिया, नन ऑफ द, सही आंसर हो जाए इसका बी नंबर अलबामा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डॉट डॉट चिल्ड्रेन, 1, 2, 3, 4, मार्टिन लूथर जूनियर के कितने बच्चे थे, तो 4 हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। डॉट 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 एडवोकेट्स नॉन वायलेंस स्ट्रगल्स, पॉल्स एस बॉक, एचिबेट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सिंगानोया, यानी इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सी नंबर। 25 नंबर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए आर्टिस्ट, सिविल राइट एक्टिविटी, साइंटिस्ट, फिलोसफर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वह क्या थे, एक सिविल राइट एक्टिवेटर्स थे, यानी बी नंबर ऑप्शन, सही उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 26, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाई जर्मन ग्रियर, सिंगानोया, एचिबेट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आई हैव ए ड्रीम का जो स्पीच दिए थे वह डिलीवर्ड कौन किए थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी डी नंबर ऑप्शन। 27 नंबर में ए बैंक ऑफ जस्टिक इज बैंक्रॉफ्ट, हाईवे,
स्टैगर्ड यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंक्राफ्ट यानी ए नंबर ऑप्शन। चलिए थैंक यू, ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ इस चैप्टर का, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।